वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 23 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है व्हाट कंसीडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। तो बेसिकली ये सेक्शन डिफाइन करता है एक बेसिक रूल के जिनका ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल होगी वो डेफिनेटली एग्रीमेंट जो हैं वो वाइड होंगे, और फिर उसके बाद ये डिफाइन करता है कि क्या चीज़ जो है बेसिकली अनलॉफुल कंसीडर होगी। तो उसमें फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, फ्रॉडलेंट, इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, और कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के 5 पॉइंट्स हैं। और हम रूल में यही 5 पॉइंट्स पढ़ने के बाद इनकी एग्जाम्पल्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूल की बात करते हैं, तो बेसिक रूल यह है कि हर एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर अनलॉफुल है तो वो वॉइड कंसीडर होगा, यानी इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अच्छा, इस बेसिस पर जो आगे मैटर है कि कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल ही समझा जाता है नॉर्मली, अनलेस, यानी अनलॉफुल कब समझा जाएगा, वो हमारे पास पहली सिचुएशन है कि जब वो फॉरबिडन बाय लॉ हो, यानी लॉ ने मना किया हो। और लॉ ने बेसिकली, जो फॉरबिडन का मतलब होता है कि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो पनिशेबल बाय लॉ होती है कि अगर वो काम किया तो फिर लॉ उसकी पनिशमेंट भी रखता है। इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, यानी अगर उस काम को अलाउ कर दिया गया तो वो घुमा फिरा कर जो लॉ की रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट ही जा रहा होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही बेसिकली प्रॉपर समझा जा सकता है, तो इस पे हम एग्जाम्पल के टाइम पर फोकस करेंगे। फ्रॉडलेंट हो किसी भी तरीके कार में, जिसमें आप पब्लिक के साथ, किसी गवर्नमेंट के साथ, किसी दूसरे शख्स के साथ फ्रॉड कर रहे हो, तो वो जहां पे भी फ्रॉड का एलिमेंट इन्वॉल्व होगा वो तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली फिर अनलॉफुल ही कंसिडर होगा। इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन, किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना, किसी शख्स की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये भी जो है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन कंसीडर होंगे। द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, अब ये बेसिकली कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो किस चीज को इमोरल कंसीडर करते हैं, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कंसीडर करते हैं। पब्लिक पॉलिसी बेसिकली ये होती है कि आप समझते हैं कि अगर इस तरह की चीजें अलाउ की गई तो माशरे में जो है जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगे, और पब्लिक पॉलिसी में अमन रखने के लिए और जो माशरे को स्मूथली रन करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरीके की चीज़ें अलाउ ना की जाएं, तो वो चीज़ें समझी जाती हैं कि वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हैं। काइंड ऑफ बेसिकली इसमें इमोरल वाला ही कॉन्सेप्ट कोर्ट्स बेसिकली अप्लाई कर रही होती हैं। तो फॉरबिडन बाय लॉ की अगर हम एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल है कि अमीर प्रॉमिसेस टू ऑब्टेन फॉर फकीर एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड फकीर प्रॉमिसेस टू पे 1000 टू अमीर। तो रिश्वत लेकर जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो देना पब्लिक सर्विस में, यानी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। अब ये ऑब्वियसली एक ऐसा काम है जो फॉरबिडन बाय लॉ है और ये पनिशेबल बाय लॉ भी है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली अनलॉफुल है, कंसीडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, और एग्रीमेंट जो है वो वाइड होगी, वाइड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, जो कि इस सारे सिनेरियो में सबसे टेक्निकल जो है सिनेरियो होगा हमारा। कादिर फेल्स टू पे हिज लोन एंड हिज हाउस इज ऑक्शन फॉर रिकवरी। तो कादिर ने बैंक से लोन लिया हुआ था, वो बैंक को लोन पे नहीं कर सका, तो बैंक ने जो उसका घर है वो नीलामी के लिए पुट कर दिया, ताकि भाई घर की नीलामी करके उससे जो पैसे आएंगे उससे बैंक अपना जो नुकसान है लोन वाला वो रिकवर कर लेगा। अब लॉ की इस पे एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि जिस पर्सन की प्रॉपर्टी बेसिकली ऑक्शन की जा रही होती है वो खुद उस ऑक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। और ये इसकी लॉजिक बेसिकली लॉ में ये है कि भाई अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो वो बैंक का लोन क्यों नहीं वापस कर रहा, उसे तो बैंक का लोन वापस करना चाहिए। तो बेसिकली ये प्रोहिबिशन थी। कादिर ने क्या किया कि जो है बैंक को और लॉ को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने कहा कि मैं खुद तो अपने घर के को दोबारा हासिल नहीं कर सकता डायरेक्टली लॉ के मुताबिक, तो उसने एक एजेंट अपॉइंट किया और उस एजेंट को कहा कि तुम इस घर के लिए बिडिंग करो और वो बिडिंग विन करके ये बाद में जो है ना घर मुझे दे देना। अब अगर यहाँ पर आप देखें कि कादिर को अगर ये चीज़ अलाउ कर दी जाए तो ये तो ऐसे ही होगा जैसे कादिर खुद अपने जो घर के लिए ऑक्शन कर रहा है, यानी ये जो लॉ की प्रोहिबिशन थी ये डिफीट हो जाएगी। इस वजह से कादिर को जो ये काम करना है वो अलाउड नहीं है, एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि परचेज बाय द डिफॉल्टर जो है
वो बेसिकली डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, लॉ का ऑब्जेक्ट जो था वो इसमें डिफीट हो जाएगा, इसलिए ये जो एजेंट को अपॉइंट करके ऑक्शन के लिए बिड करना भी अलाउड नहीं होगा। फिर फ्रॉडेंट वाला पॉइंट देखते हैं। आबिद साजिद एंड अमजद एग्रीड टू डिवाइड द कैश ऑब्टेन्ड बाय टैक्स रिफंड ऑन द बेसिस ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स। तो फेक डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पर इन्होंने कहा जी टैक्स रिफंड लेंगे और फिर वो आपस में जो है डिवाइड कर लेंगे। तो ऑब्वियसली ये टैक्स डिपार्टमेंट के साथ और गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड है और फ्रॉडलेंट होने की वजह से अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है और ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। फिर है जी कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्प्लाई करती हो या इन्वॉल्व करती हो इंजरी टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, तो वो भी अनलॉफुल है और वॉइड है। तो एग्जांपल देखते हैं। आबिद प्रॉमिस टू पे 100,000 टू साजिद ऑन एग्रीइंग टू पब्लिश अ डेफामेटरी आर्टिकल अगेंस्ट अरसलान। डेफामेटरी कहते हैं जिसमें किसी की रेप्यूट को ख़राब करने के लिए, यानी बाकायदा इस बेसिस पर एक चीज़ लिखी जाती है कि दूसरे शख्स की जो रेपुटेशन है पब्लिक में वो ख़राब की जाए। तो ऑब्वियसली इसमें जो इंटेंशन है वो गलत है, दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाना है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो वाइड होगा क्योंकि इट इन्वॉल्व इंजरी टू अनदर पर्सन और ये अनलॉफुल भी कंसीडर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हबीब प्रॉमिस टू पे 100,000 टू हमजा ऑन एग्रीइंग टू यूज इंडस्ट्रियल वेस्ट इन सच अ वे दैट इट वुड डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ साजिद, जो कि हबीब का एक राइवल था। तो अपने राइवल को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने हमजा को कहा कि तुमने इंडस्ट्रियल वेस्ट इस तरीके से यूज़ करना है कि उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे। तो दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ये भी अनलॉफुल है और इसकी वजह से जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड होगा। तो हमजा ने अकॉर्डिंगली कर दिया, हबीब ने उसे पेमेंट करने से इनकार किया, तो ये एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं हो सकता। हमजा कोई भी पैसे रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि एग्रीमेंट वाइड है और अनलॉफुल है। तो बेसिकली वाइड होने का जो मेन इम्पैक्ट है वो अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। तो जो पर्सन गलत काम कर रहा होता है वो फिर अपने जो काम के पैसे हैं वो रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि उसने एक अनलॉफुल काम किया होता है। अब हम एंड में देखेंगे जिन मामलों को कोर्ट इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कंसीडर करती हैं। तो एग्जांपल हम देखते हैं। आबिद हु इज गार्डियन ऑफ तनवीर प्रॉमिसेस टू एक्सरसाइज हिज इन्फ्लुएंस एज सच विद तनवीर इन फेवर ऑफ फरहान एंड फरहान प्रॉमिसेस टू पे 1,000 टू आबिद। अगर एक शख्स किसी दूसरे का गार्डियन है तो गार्डियन को तो बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए उस बच्चे के लिए जिसके लिए वो गार्डियन के तौर पे काम कर रहा है। इसके बजाय वो दूसरे शख्स से पैसे ले रहा है कि वो जो है जिस बच्चे का गार्डियन है वो उस बच्चे को इन्फ्लुएंस करेगा ताकि वो किसी खास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, किसी खास काम को कर ले। तो बेसिकली इस तरीके का जो एग्रीमेंट है ये तो इमोरल कंसीडर होगा। वैसे अगर आप कहते हैं कि किसी को बात समझाना या इन्फ्लुएंस करना वो तो गलत बात नहीं है, लेकिन एक गार्डियन का जो है बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने के बजाय दूसरी पार्टी से पैसे लेकर बच्चे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करना, बच्चे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, बेसिकली ये इमोरल है और ये एग्रीमेंट वॉइड होगा इस वजह से। एक और एग्जांपल है हमारे पास। अ मैरिड वुमन वॉज गिवन मनी टू ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड देन मैरी द लैंडर। यानी जिस शख्स ने पैसे दिए, लोन दिया, उसने कहा कि जी हस्बैंड से डाइवोर्स लो और उसके बाद शादी उस लैंडर से कर लो। तो बाद में वुमन रिफ्यूज टू टेक डाइवोर्स। तो क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल था? द आंसर इज द एग्रीमेंट इज वॉइड, क्योंकि ऐसी डाइवोर्स लेना पनिशेबल अंडर द लॉ नहीं है, लेकिन कोर्ट जो है वो इसको इमोरल कंसिडर करती है कि मैरिड वुमन को जो है इंड्यूस किया जाए टू गेट अ डाइवोर्स और इस तरीके से पैसों के बदले जो है वो किसी की जो मैरिज है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाए। तो ये इमोरल भी है और ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अंजुम हु नोज दैट कमर हैज स्टोलन गुड्स अमाउंटिंग टू 500,000 रिसीव्स 100,000 फ्रॉम कमर इन कंसिडरेशन फॉर ऑफ नॉट एक्सपोजिंग हिम। तो बेसिकली किसी चोर से कुछ पैसे ले लेना और फिर उसमें एग्री करना कि जी उसके जो उसकी थेफ्ट है या क्राइम है उसको एक्सपोज नहीं करेंगे, तो ये अनलॉफुल काम है, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। बेसिकली तो ये है कि अगर आपको क्राइम के बारे में कोई भी एविडेंस है या नॉलेज है तो आपको की लीगल ड्यूटी बनती है कि आप उसको रिपोर्ट करें। सो इट वुड बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसे एग्रीमेंट अनलॉफुल होंगे और वॉइड होंगे और कोई भी अमाउंट जो है ऐसी सिचुएशन में रिकवर या रिकवर बैक नहीं की जा सकती। So that's all for today. Have a good day.